हेलो एवरीवन वेलकम टू टूडेज वीडियो एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन का चार्ट कैसा दिख रहा है क्या यहाँ पे एक्सपेक्टेड मूव्स हैं प्लस हम थोड़ा ऑन चेन डेटा को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कल की वीडियो अगर आपको याद होगी तो मैंने आपको बोला था दैट वी विल सी बिटकॉइन गोइंग डाउन लिटिल बेड उसके बाद हमें यहाँ पे बाउंस देखने को मिलेगा एंड वी वर गोइंग टू फोकस ऑन स्पॉट बाइंग तो यहाँ पे वो बाउंस हमें जो है देखने को मिला कल हमने ऑल्सो डिस्कस किया था दैट एसपीएक्स में हमें थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ वी सॉ इट गो अप वेरी सिग्निफिकेंटली और उसने एक नया यहाँ पे टॉप बनाया है तो ये दो थे जो कल के से हमारे पास नए आए हैं। अब इन पे to to तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपनी बाइंग बिकॉज वी आर गोइंग टू बाय जब तक हमारा सुपर ट्रेंड इन डेली टाइम फ्रेम इज ग्रीन दैट इज गोइंग टू बी माई प्लान हम यहाँ पे एस आई पी कंटिन्यू रखेंगे दिस इज फॉर स्पॉट पीपल अब जो लोग यहाँ पे लेवरेज ट्रेड करते हैं फ्यूचर ट्रेड्स करते हैं तो फ्यूचर्स के साइड से मैं अभी भी यहाँ पे जो है बिटकॉइन पे ही लॉन्ग बिल्ड कर रहा हूँ बिकॉज डोमिनेंस जो है अभी भी काफी ऊपर है तो बिटकॉइन को यहां पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं ऑल हमने फिफ्टी से नीचे आ गए हैं लेकिन जब तक ये सपोर्ट जो है यहाँ पे इसका रहेगा तब तक हम यहाँ पे डोमिनेंस को इग्नोर नहीं करेंगे बिकॉज सपोर्ट से यहाँ पे बाउंस आ सकते हैं स्पेशली हम देख रहे हैं कि ऑल्ट ऑल्डकॉइंस के अराउंड काफी सारी सेलिंग हो रही है एंड दी ओनली पॉजिटिव न्यूज फॉर ऑल्ट कॉइन वॉज रिपल एंड वो भी जो है अब थोड़ा बहुत यहाँ पे ठंडा सा पड़ रहा है तो इसलिए हम फोकस करेंगे लॉन्ग्स के लिए बिटकॉइन पे एंड शॉर्ट्स के लिए हम फोकस करेंगे अपना ऑल्ड पे जब तक हमारी डोमिनेंस एटलीस्ट फोर्टी नाइन से नीचे नहीं आ जाती है उसी लाइन पे अगर आप एक हेज ट्रेड लेना चाहते हो तो हेजिंग के लिए इस टाइम पे इथीरियम इज अ गुड ऑप्शन इथीरियम जो है इस एरिया पे है दिस इज अ गुड रेजिस्टेंस एरिया ऑफ कोर्स हेजिंग में हम अभी बिल्ड चाहे तो कर सकते हैं यू नो टेक वन एंट्री है एंड देन सब्सिक्वेंट एंट्रीज हम यहाँ ले सकते हैं या फिर आप थोड़ा वेट कर सकते हो लॉन्ग ओपन रखो एंड अगर यहां से इथिरियम ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो वेट करो एंड रफली इस एरिया पे जो है आप एक शॉर्ट बिल्ड कर सकते हो क्योंकि रेजिस्टेंस के ज्यादा पास होगा या फिर अगर मार्केट नीचे आना स्टार्ट होता है तो दिस मूविंग एरिया पे आपका मार्केट पे तो तो आप को देखें तो अभी को करने से पहले, एक क्विक अनाउंसमेंट कार्तिक ने मुझे बोला है कि आपको बता दें दैट वी आर डूंग हंड्रेड डॉलर टू फाइव थाउजेंड डॉलर चैलेंज एंड अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हो आप इसके लिए क्रिप्टो गर्ल्ड के ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हो उनका टेलीग्राम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे हम आपको एयर ड्रॉप हंट करना सिखाएंगे एंड वी वी विल बी टेलिंग यू अबाउट ऑल द एयर आर हंटिंग हमारा वॉलेट जो है हाँ पे पब्लिक रहेगा इन डेटा में हमें सबसे चीज़ देखनी है वो है कि फंडिंग रेट कैसा चल रहा है तो फंडिंग रेट जो है लॉन्ग सेंटिमेंट है मार्केट में काफी सारे लोग जो है अभी लॉन्ग है एंड दैट इज गुड यूजुअली क्या होता है जब लॉन्ग सेंटिमेंट ज्यादा होते हैं तो देर इज अ शॉर्ट स्क्वीज तो हमें उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए दैट्स वाई हम जो है हेज करते हैं एंड इस टाइम पे हेजिंग के लिए बेस्ट हमारे पास क्या है ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास अगर शॉर्ट स्क्वीज होता है तो किस एरिया पे हमें यहाँ पे ध्यान रखना है शॉर्ट स्क्वीज देखो ऐसे होता है कि एक ही बार में बहुत लंबी सी कैंडल आएगी रेड कलर की एंड वो जो है हमारे लॉन्ग्स को ले जाएगी जो लोग हाई लेवरेज पे लॉन्ग लेते हैं उनको लिक्विडेट कर देगी लेकिन हमारा जो ये सपोर्ट है ना जब तक ये मेनटेन्ड है तब तो तक हम इसका ओवरऑल ट्रेंड चेंज यहाँ पे नहीं देखेंगे तो इस सपोर्ट के नीचे अगर आता है तब आप चाहे तो अपने लॉन्ग क्लोज की साइड देख सकते हो लेकिन तब तक आप थोड़े बहुत सेफ हो हेड से आप उसको इंश्योर करके चलो अगर हम देखें मार्केट को वर्ल्ड मार्केट्स में तो यूएस का मार्केट काफी ज्यादा ग्रीन है भी यहाँ पे और अगर हम देखेंगे वर्ल्ड इंडस्ट्रीज को भी तो भी वहां पे हमें ग्रीनरी दिख रही है तो ओवरऑल मार्केट्स मार्केट्स काफी अच्छे हैं और मार्केट्स जो है एक कर रहे हैं हम देखने की जो है अब ट्वेंटी सिक्स को होगी एंड वहां पर एक्सपेक्टेडी फाइव बीपीएस होती है तो मार्केट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर नहीं होती है 25 BPS, सिग्निफिकेंटली हमारे पास केवल दो रेट हाइक्स जो है बची हैं इस साल फेड ने बोला था हमें लास्ट मीटिंग में तो रेट हाइक्स यहाँ पे रुक जाएंगी उसके बाद रेट हाइक्स कम होना स्टार्ट करेंगी तो दैट रिप्रेजेंट्स अ गुड अपसाइड पीरियड फॉर द मार्केट तो इस टाइम पे शॉर्ट टर्म ट्रेड आप कर रहे हो दैट इज गुड शॉर्ट टर्म आप ट्रेड करो दैट्स दैट्स लवली लेकिन आपको ओवरऑल जो बड़ा माइक्रो फैक्टर है उस पर ध्यान रखना है दिस इज समथिंग दैट वीज टोल्ड यू बैक इन नवंबर ऑल्सो जो बिटकॉइन फिफ्टीन सिक्सटीन थाउजेंड डॉलर पे था रीजन फॉर बिटकॉइन गोइंग डाउन ऐसा कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है हमारे पास जो है माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स दट मार्केट में पैसा नहीं था बिकॉज इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुके थे लेकिन अब वो इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे धीरे धीरे मार्केट में पैसा फ्लड होगा वी विल सी अ लॉर्ड ऑफ न्यू कंपनीज फॉर्मिंग क्योंकि ऐसे मार्केट्स के बाद जो है नई कंपनी फॉर्म होती है टू के क्रैश के बाद भी हमने देखा था दट ऊबर टाइप की कंपनीज जो है नई फॉर्म हुई थी काफी नई यूनिकॉन्स बने थे तो यही चीज होगी जब इंटरेस्ट रेट डाउन आना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट में और पैसा आएगा एंड वो पैसा ऑफकोर्स क्रिप्टो मार्केट्स में भी आएगा एंड